Hare Krishna, good evening. Welcome all of you for our weekly Thursday evening class. We're discussing Bhagavatam, 7th Canto. And right now, we're trying to understand how Hiranyakashipu is trying to pacify his mother and his sister-in-law after the death of Hiranyaksha. So, यहाँ पे एक चीज बहुत समझने लायक है, वो है कि हिरण्यकश्यप कह रहा है कि हमारा जीवन क्या है, हमारा जीवन एक होटल की तरह है, जस्ट लाइक ए होटल। होटल में जैसे कुछ लोग एक साथ होते हैं, एक साथ आते हैं कुछ देर के लिए, खाते हैं, कुछ खाते पीते कुछ करते हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद जैसे उनका कार्य पूरा हो जाता है वो अपने अपने घर चले जाते हैं। उसी तरह है जीवन में, हम लोग सब आत्माएं हैं, इस भौतिक दुनिया में आ रहे हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, थोड़े साल के लिए, थोड़े वर्षों के लिए साथ में रहते हैं, रिश्ता बना के, कोई पति तो कोई पत्नी तो कोई माँ कोई बाप, भाई बहन, मामा काका चाचा जो भी बोल लो, और सब रिश्ते मृत्यु के साथ ही अंत हो जाते हैं। और जब एक नया जन्म होता है तब वापस नए रिश्ते में। दैट इज व्हाई ऑलवेज आस्क, आपका लास्ट बर्थ का ब्रदर सिस्टर्स कहाँ पे हैं, लास्ट बर्थ के मम्मी डैडी कहाँ हैं, आपका लास्ट बर्थ का प्रॉपर्टी कहाँ पे है, एजुकेशन कहाँ पे है, एवरीथिंग इज गॉन। सो दिस इज अ परपेचुअल साइकिल। दैट इज व्हाई इट इज सेड जातसी ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से च तस्माद अपरिहार्य अर्थे ना त्वं सोचितुम् अर्हसि। भगवद्गीता कहता है जो जन्म लेगा वो मरेगा, पक्का मरेगा, उसमें कोई गारंटी कोई डाउट नहीं है, पक्का गारंटी से मरेगा, और जो मरेगा वापस जन्म लेगा, यू श्योर टू टेक बर्थ अगेन। तो इसके लिए कभी भी रोना मत। अर्जुन भी वही रो रहा था, अरे अभी युद्ध होगा, मैं लोगों को मार दूंगा, फिर क्या होगा, मेरे भाई मर जाएंगे, मेरे दोस्त मर जाएंगे, सामने दो एक ही परिवार के लोग सामने सामने खड़े थे ना युद्ध में। तो कृष्ण समझा रहे हैं, जो कृष्ण समझाए वही तो भगवत गीता है, तो कृष्ण ने समझाया, अरे भाई रो मत, ये रोने का क्षण नहीं है। क्यों? तुमने वो व्यक्ति को कभी देखा ही नहीं, और हमने लास्ट क्लास में यही देखा, जब राजा मर गया था युद्ध में और राजा की पत्नियां छाती पीट पीट के रो रही थी, तो यमराज आके क्या बोला, तुमने तो अपने पति को कभी देखा ही नहीं। अगर तुम उस व्यक्ति के लिए रो रहे हो जिसके साथ आप लोग इतने बरस थे, वो तो आपके सामने पड़ा है, ही इज लाइंग डाउन इन फ्रंट ऑफ यू, तो आप उनसे बात कर सकते हो। पर वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर जो तत्व था वो तत्व, इसको आत्मा कहते हैं, वो चला गया है, और जो आत्मा चली गई है उसको कभी हमने देखा, आपने कभी देखा? आपके घर में भी सबके घर में भी कोई ना कोई मृत्यु तो हुई है, तो आप लोगों ने उस व्यक्ति का शरीर देखा है, मृत शरीर देखा है, और जो जिंदा था तब बात करते हुए देखा, मगर उसके अंदर का क्या तत्व है वो कभी आपने देखा, देख नहीं पाए, क्योंकि वो एक शरीर के अंदर बिठा दिया गया है। हर आत्मा एक शरीर के अंदर है, दैट इज रीजन। सो फाइनली वहां पे यमराज एक बाल स्वरूप में आए थे, एक बालक के स्वरूप में रानी को समझा रहे थे कि भाई इतना भी रोना मत, इतना रोके फायदा नहीं। उसके बाद उन्होंने एक एक छोटी सी कहानी और बताई, और वो कहानी क्या थी? वो कहानी थी एक पक्षी, मेल एंड फीमेल बर्ड, एक पक्षी की जोड़े की, पेयर ऑफ बर्ड्स, मेल एंड फीमेल, बड़े प्यार से एक क्या कहते हैं, पेड़ के ऊपर बैठे थे, खुश थे, सुखी थे, कोई तकलीफ नहीं था, जीवन का मजा ले रहे थे, और उनके चूजे वो बहुत थे, मतलब छोटे बच्चे भी बहुत थे। मगर जब दोनों बात कर रहे थे, अचानक से एक बहेलिया हंटर की फायर्स वन एरो, और अचानक पत्नी को बाण लग जाता है और पत्नी तुरंत मर के गिर जाती है। जो मेल बर्ड था वो तुरंत उड़ के बाजू के
झाड़ पे चला गया और वहां जाके रोने लगा। अरे ये क्या हो गया, मेरा जीवन इतना अच्छा हंसता हंसता खेलता हुआ चल रहा था और अचानक मेरी पत्नी आज मर गई। आज पत्नी मर गई, अब मेरे बच्चों को संभालेगा कौन? अब कहां से मेरे पत्नी को, मेरी पत्नी मेरे बच्चों को संभाल पाएगी? मेरे बच्चों को संभालने वाला कौन है? और इस दुख से वो अपना रो रहा था। और कई बार हमारे जीवन में भी यही सत्य बात है, कई बार लोग मर जाते हैं ना, तो हम लोग भी देखते हैं कि घर वाले बहुत छाती पीट के रोते हैं और क्या कह के रोते हैं, अब मेरा क्या होगा। तो रोने का कारण उस व्यक्ति का चला जाने का था या अब मेरा क्या होगा, ये सोच के लिए रो। अक्सर लोग यही सोच के रोते हैं कि अब मेरा क्या होगा, वो व्यक्ति तो चला गया, अब मुझे संभालेगा। और बस कुछ ऐसी परिस्थिति में ये राजा की पत्नियां थी और वो पक्षी भी उसी हालत में था कि अब मेरी पत्नी चली गई है, अब मुझे संभालेगा कौन, अब मुझे देखेगा कौन, मेरे बच्चों को खिलाएगा कौन? ये सोच के जब रो रहा था वो पक्षी मेल बर्ड, अचानक उसी हंटर का दूसरा बाण आया और उस मेल बर्ड। तो आप बोलेंगे प्रभु जी इस कहानी में हमें क्या सीख मिलती? सबसे बड़ा सीख हमको मिलता है, हम लोग रोज लोगों को देखते हैं मरते हुए और हम लोग क्या सोचते हैं, वो मरा है मैं थोड़ी मरा। हम ये नहीं सोचते हैं कि कल या परसों या नरसों एक ना एक दिन मेरी भी मरने की बारी आएगी। इवन आई हैव टू डाई वन डे। पीपल इन लाइफ जनरली आर लैमेंटिंग अबाउट थिंग्स, अबाउट पीपल एंड देयर पोजिशंस। मेरे पास क्या है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास मेरा रिश्ता परिवार बच्चे पोते पोती ये वो सब ठीक, मगर क्या हमने मृत्यु की तैयारी की? उस मेल पक्षी रो रहा था, दैट मेल बर्ड नर पक्षी था वो रो रहा था, पत्नी के जाने का गम मना रहा। उसके दिमाग में ये कभी नहीं आया कि अरे वो मर गए तो मैं भी एक दिन मरूंगा, और उसकी क्या तैयारी करनी चाहिए, मृत्यु की क्या तैयारी होनी चाहिए आप लोगों के हिसाब से? व्हाट शुड बी द प्रिपरेशन ऑफ डेथ? डेथ का मतलब क्या है? शरीर छोड़ के जाना, राइट? शरीर छोड़ के जाने के लिए क्या तैयारी करना पड़ेगा अपने को? एक बक्से में क्या क्या सामान लेके जाना पड़ेगा? दो चार जोड़ी कपड़े, फिर थोड़ा पैसा, दागीना, क्या क्या लेना पड़ेगा? व्हाट शुड बी टेक? सब प्रभु जी ट्राई करूँ। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो भी है यानी सब यही पे छोड़ के जाए, लेके हम लोग कुछ जाते नहीं सिवाय जो भी हम लोग ने कर्म वेरी गुड। किया। तो नाउ आई वुड लाइक हिमांशु टू प्रभु ऐड। हिमांशु, अगर आपको पता यस चले कि प्रभु जी, मरना है तो आप क्या लेके सर तैयारी करेंगे? आध्यात्मिक जीवन का पूरा ज्ञान और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेंगे और उसके बाद मरेंगे तो शायद ठीक है, वो यस, पूरा है। दैट इज इंटेलिजेंस। इसी को हम अकलमंदी कहते हैं कि भाई मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मृत्यु के बाद मैं कहां जाने वाला हूं। ये चीज जो व्यक्ति जान लेता है जीते जी, वो मृत्यु से डरता नहीं और मृत्यु के बाद उसको अपनी सही गति मिलती। ही गेट्स हिज राइट डेस्टिनेशन। जब तक व्यक्ति ये चीज को नहीं समझ पाता है वो हमेशा दुखी रहता है। मृत्यु एक नई शुरुआत है। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं प्रभु जी आप तो ऐसा बोल रहे हो सब लोग मरने के लिए तैयार हैं या मरना चाहिए, नहीं, पर एक ना एक दिन तो आने वाला ही है। एवरी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हैज अ मैन्युफैक्चरिंग डेट, तो साथ में एक्सपायरी डेट के साथ ही है। तो हमारा भी अगर एक मैन्युफैक्चरिंग डेट, उस डेट को हम क्या कहते हैं, बर्थडे, बर्थडे कहते हैं ना, वो बर्थडे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट। अगर
क्या है, आप पैकेट में, आप बाहर से कोई पैकेट लेके आओ बिस्किट का या कोई भी चीज का, उसमें प्रिंटेड रहता है एक्सपायरी डेट, मगर हमको पता नहीं एक्सपायरी डेट क्या है। अच्छा है पता नहीं, पता हो जाए ना जी नहीं पाएंगे, हर एक क्षण उस भय से ही हमको जीना पड़ेगा। मगर अकलमंदी व्यक्ति क्या करता है, कि वो तो एक दिन आने वाला ही, एक दिन ये शरीर बूढ़ा होने वाला है, मेरे कुछ कुछ काम का होने वाला नहीं है, तब मैं दूसरा शरीर लूंगा। भगवान क्या कहते हैं, पसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरो प्राण, तत् शरीर तत् अन्याय जीर्णाय नवानि शरणि गृह्णन्ति। व्हाट डज इट से, इट सेज अपना पुराना शरीर अपने को छोड़ना है। और कब छोड़ेंगे, जैसे हम लोग ये पुराना कपड़ा छोड़ते हैं, हम सबके पास अच्छे अच्छे टी शर्ट हैं या शर्ट है पैंट है, मगर जब थोड़ा काल हो जाता है, टाइम हो जाता है, उसका रंग भी जरा फीका पड़ जाता है और उसके बाद वो फटने जैसा हो जाता है, तो क्या करते हैं, उसको पहन के जाएंगे हम लोग बाहर, नहीं पहन सकते, तो उसको हम छोड़ देते, और उसको छोड़ के हम लोग एक नया टी शर्ट खरीद के पहन लेते। मतलब शरीर वही है, शरीर का टी शर्ट बदलता है, उसी तरह आत्मा वही है, शरीर के जगह पे आप समझो शरीर एक टी शर्ट है, जब आत्मा एक टी शर्ट में बैठे बैठे, एक शरीर में बैठे बैठे बूढ़ा हो जाता है। कई बूढ़े लोग बोलते हैं ना, अरे भगवान हमको उठाते क्यों नहीं है, हम क्या करें, कुछ ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना सांस भी ढंग से ले पाते हैं, तकलीफ में है, भगवान हमको उठा ले। इसका मतलब क्या है, उठा ले का मतलब क्या है, उस शरीर को छोड़ के भगवान बोलते हैं ठीक है आपको नया शरीर दे। और ये दोनों के बीच में ना एक बड़ा प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम क्या है पता है, तो जब शरीर छोड़ के जाते हो ना, आपके साथ एक ही चीज चलता है, वो है आपके कर्म। आपका पैसा नहीं चलेगा, आपका औहदा, आपका एजुकेशन, आपका बड़े से दोस्त रिलेटिव्स कोई नहीं आने वाला, पति पत्नी कोई नहीं आने वाला, सिर्फ और सिर्फ आप चलने वाले हो इस शरीर को छोड़ के, और साथ में आपके कर्म, और वो कर्म तय करेंगे आपको कौन सा नया शरीर मिलने वाला है, विच इज गोइंग टू बी योर न्यू बॉडी। सीधी बात है ना, एक शरीर छोड़ा है, जरूरी है क्या इंसान का शरीर मिला तो अगला जन्म भी इंसान का ही शरीर मिलेगा। 84 लाख योनि है, 84,000 स्पीसीज आर देयर, उसमें भी 4 लाख ह्यूमंस है, इंसान का भी 4 लाख वेराइटी है, शास्त्र कहता है। आप बोलेंगे कहाँ प्रभु जी, सबका तो दो हाथ दो पैर एक नाक एक टांग, मतलब वही तो है, तो आप 4 लाख कैसे बोल सकते, क्या अफ्रीका का एक आदमी और आप में अंतर कुछ है कि नहीं, सोच में, खान पान में, और खासकर सोच में। कोई अफ्रीका हुआ, कोई अमेरिका का हुआ, कोई अरब देश का हुआ, जहाँ पे मृत्यु, इट्स लाइक मृत्यु के भय में व्यक्ति को जीना पड़ता है, जैसे आप चल रहा है गाजा वॉर चल रही है, सो 4 लाख ह्यूमन स्पीसीज है, उसमें से कौन सा मिलेगा, और वो भी कब मिलेगा, जब आपके कर्म ह्यूमन स्पीसीज के लिए लायक हो, आपने ऐसे कर्म किए, और इसका मतलब कर्म अच्छा करना पड़ेगा। और अच्छे कर्म की परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अच्छा कर्म, कौन तय करेगा कर्म अच्छा है। यस एनीबडी वुड लाइक टू, एनीवन फ्रॉम द न्यू बैच, बट आई वुड लाइक टू लाइक देम टू आंसर, ट्राई करें आप लोग को, जो भी नए हैं ट्राई करें इस प्रश्न का आंसर करने की, ताकि प्रश्न का जब आंसर करने की कोशिश करोगे तब आपको ज्यादा सीख पाओगे। यस टेल मी, कर्म कैसा तय होगा, आपने जो कर्म किया वो अच्छा है या गलत है। यस हिमांशु, कैन यू टेल मी हु वाज हाउ हु डिसाइड्स एंड हाउ यू डिसाइड दिस कर्म इज गुड और बैड, राइट और रॉन्ग। प्रभु जी, शायद इसका जवाब भी सिमिलरली होगा लास्ट जैसा, कि हमने जो भी चीजें हैं जो नहीं करनी थी वो आध्यात्मिक जीवन के हिसाब से, जो अध्यात्म में और जो नहीं है कर वो भी तो कर्म कर रहा है ना,
जो आध्यात्मिक जीवन में नहीं है वो भी कर्म करता है। और कई लोग मुझे, मैं कई लोगों को मिलता हूँ तो कई लोग बोलते हैं प्रभु जी मैं सभी भक्ति भक्ति में मानता नहीं, मैं जो सिर्फ एक ही चीज में मानता हूं और वो है कर्म। अच्छा कर्म करो बस जीवन परिपूर्ण हो जाता है, योर लाइफ इज फुलफिल्ड, जस्ट डू गुड कर्मा। तो मेरा ये प्रश्न उठता है कि ये अच्छे कर्म की परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड कर्म्स। प्रभु जी, एनी थिंग दैट्स नॉट हर्टिंग समवन, और जिससे किसी भी प्रकार का मतलब अगर हम देखें तो वेरी गुड। तो अगर आप कहते गलत हो ना इट हो। इज नॉट हर्टिंग एनीवन, तो महाभारत का युद्ध क्या बुरा कर्म था? Am I making a sensible question? युद्ध में तो रोमांस होने यस वाला प्रभु, नहीं है, या तो मरोगे या तो मारोगे। अर्जुन ने इतने करोड़ों लोगों को मारा, लोगों को नहीं योद्धाओं को मारा। और अर्जुन क्या बोला स्टार्टिंग में, मैं इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। दैट्स व्हाट अर्जुन इज सेइंग इन द स्टार्टिंग ऑफ द भगवद गीता फर्स्ट चैप्टर विषाद योग। अरे सेइंग नहीं, मुझे मैं कैसे मारूंगा, मेरे भाई मेरे ताऊ जी हैं मेरे गुरु हैं उनको कैसे मारूं, और मारने से मुझे पाप लगेगा। और ये सुनने के बाद कृष्ण जो स्वयं भगवान है उन्होंने क्या बोला, हाँ बराबर बोल रहे अर्जुन, चलो वापस जाते हैं घर पे, रथ को मोड़ लेता हूं घर पे जाके बैठे जाते हैं, पाप नहीं करना। क्या ये बोला कि नहीं कभी। कृष्ण ने पूरा भगवद गीता सुनाया ताकि समझ में आए कि क्या सही है क्या गलत है। ओके माय नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा एक अगला प्रश्न जो है सब लोगों के लिए है, एंड प्लीज इंटरेक्ट। अगर मैं अकेले बोलते जाऊंगा आप लोग तो मजा नहीं आएगा, आप लोग जब तक इंटरेक्ट नहीं करोगे द क्लास विल बी वेरी वेरी बोरिंग। दैट्स व्हाई आई वाज रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू पुट ऑन द वीडियोस। ओके सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कर्म अगर मारना बुरा है तो क्या अपना देश, अपनी जो सेना है, हमारा जो सेना जो युद्ध लड़ रही है बॉर्डर्स में, और जो आज आतंकवादी जो हमला कर रहे हैं उनसे लड़ रहे हैं उनको मार रहे हैं, तो फिर वो भी गलत कार्य हुआ ना? Am I right or wrong? आतंकवादी को मारना अच्छा कार्य है कि बुरा कार्य? मैं बोलूं प्रभु जी, हाँ बोलिए बोलिए जो बताइए। सेना आतंकवादियों को मार रही है, दे आर डूइंग देयर ड्यूटी एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि किसी आतंकवादी किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है, के फायदा। और देश अगर के कोई लिए। कोई कोई व्यक्ति गुस्से में आके अपने पड़ोसी को गोली मार दे वो गलत, तो तय क्या करता है, एक्शन और द पर्पस बिहाइंड एक्शन, पर्पस प्रभु जी इंटेंशन। इंटेंशन। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इंटेंशन फ्रॉम दिस, कर्मा इज नॉट डज नॉट से हर्टिंग समवन डूइंग नो फाइटिंग बैक और रिटेलिटिंग बैक, ये सब गलत है। लोग अक्सर कहते हैं अगर कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल आगे करो, तो ऐसा कुछ तो मैंने पूरा भगवद गीता में कभी पढ़ा है। यू नो द बेस्ट जोक, आज कुछ 20 साल पहले व्हेन आई वाज अ यंग बॉय, तो आई वॉज ऑल्सो फैसिनेटेड टुवर्ड्स भगवद गीता एंड बट टाइम नहीं था, कॉलेज दिस एंड दैट, और आई फेल्ट डर ना लाइफ इज टू एंजॉय, सो करेंगे बाद में करेंगे फुर्सत में करेंगे। तो मैं एकदम शॉर्ट में भगवद गीता पढ़ लेता, बहुत शॉर्ट में गीता का सार बहुत प्रेम से पढ़ता था, तुम क्या लेके आए हो, तुम क्या लेके जाने वाले हो, जो का आज तुम्हारा है कल किसी और का हो जाएगा, वेरी फैसिनेटेड, वेरी नाइस, वाह क्या बात, क्या ज्ञान दिया है। और क्या क्या था होता था गीता सार में, किसी को याद है कुछ?
जो आज तुम्हारा है कल किसी और का हो जाएगा। कर्म किए जा फल की इच्छा मत हाँ, कर, ऐसा कर्म कुछ कर लो फल की चिंता मत कर, वेरी नाइस, ऐसा सब। एंड वही सोचता था, यही है गीता, बस हो गया भैया, मेरे को पूरा गीता पढ़ने की जरूरत नहीं, गीता का सार सिर में घुस गया बस। जब मैं पढ़ा रियली, व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग द भगवद गीता, तब समझ में आया उस सार में से एक पॉइंट भी नहीं लिखा है, खुद एक पॉइंट भी, सब सारे 10 पॉइंट्स तो छोड़ दो, एक पॉइंट पे नहीं लिख। जस्ट इमेजिन, हिमांशु आर यू वर्किंग? नो प्रभु जी, आई डोंट वर्क एक्चुअली। बट सपोज टुमारो यू वांट टू वर्क और डू अ बिजनेस, जस्ट इमेजिन यू गोना डू बिजनेस और यू गोना डू वर्क, व्हाट अबाउट यू? और आपने खूब सारा माल भेजा बिजनेस में, या आपने पूरा 1 महीना मन लगा लगा के काम किया, और एंड में जब 30th डे होता है, पेमेंट का दिन होता है, चाहे वो पार्टी से हो या बॉस से हो, बॉस के पास जाए तो बॉस बोले कर्म कर फल की चिंता मत, ऐसा रहेगा? या पार्टी बोले आपको इसको पेमेंट देना है, अरे तूने कर्म किया है फल की क्यों चिंता करता है, चलेगा? नहीं चलेगा प्रभु जी। ऑल पीपल्स कॉन्कॉक्शन, लोगों ने ऐसे ही मनगढ़ंत बना लिया है, और उसके वजह से ही लोग परेशान हैं। जितना भी हम लोग भगवत गीता का जो सार आजकल मार्केट में देखते हैं या लोग बोलते हैं, एज आई टोल्ड यू ना, मेरा एक दोस्त था, वो हमेशा कहता था मैं भक्ति वक्ति नहीं मानता, किसी का बुरा मत करो, अच्छा कर्म करो बस। अरे बुरा कर्म करना के मतलब क्या है? किसको बुरा कहो? अनलेस अंटिल यू डोंट नो द इंटेंशन बिहाइंड द वर्क, हाउ कैन यू कॉल दिस वर्क इज गुड और बैड? एक डॉक्टर के हाथ में भी छुरी है, एक चोर के हाथ में भी, या डाकू के हाथ में भी छुरी है। डॉक्टर जब काटता है उससे आपका फायदा होता है, डॉक्टर का काटना मतलब ऑपरेशन करता है तो आपका भला होता है, यू आर सेव्ड, कुछ बेनिफिशियल हो रहा है आपका। और वही अगर चोर के हाथ में चक्कू आ जाए, वो भी वो काटता है, मगर उससे आपका, आपको लूटने के लिए काटता है या आपको प्राण लेने के लिए काटता है, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? वो काटने और ये काटने में अंतर है। क्या अंतर है? प्रोसेस तो एक ही, उसमें भी खून निकलने वाला है, इसमें भी खून निकलने वाला है, मगर उससे आपका भला होने वाला है, उसके पीछे का मकसद अलग है, इसके पीछे का मकसद अलग है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, व्हाट इज गुड कर्मा एंड व्हाट इज बैड कर्मा, ये तय करता है शास्त्र। ओनली द शास्त्र कैन डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। आप आपके मन के हिसाब से कभी तय नहीं कर सकोगे कि ये शास्त्र सही है, ये गलत है, ये कार्य करना चाहिए, ये कार्य नहीं करना चाहिए। जब अर्जुन को कृष्ण भगवान बोले, सॉरी दुर्योधन, सॉरी अपना भीम को कृष्ण बोले कि जब तू दुर्योधन से युद्ध लड़ रहा है उसको कमर में मारना, हिप बिलो द हिप, किसी को याद है या किसी को पता है या नहीं पता है? एनीबडी नोस कि युद्ध में लास्ट डे ऑफ द वॉर में कृष्ण ने भीम से कहा गदा युद्ध में उसको कमर के नीचे मारना, वो चीटिंग कर रहा था, उसे पूरा शरीर वज्र का बना लिया था और वो लड़ रहा था। और सिर्फ वो भाग उसका वज्र का नहीं था, और बेचारा भीम का पूरा शरीर वज्र का नहीं था, वो तो नॉर्मल था, तो क्या युद्ध बराबर में हो रहा था क्या? तो वहां पे चीटिंग नहीं माना जाएगा, चीट वो कर रहा था। चोर के घर में चोरी करना पाप नहीं है, कर्ण व्हेन ही वॉज फाइटिंग, व्हेन ही वॉज डाउन फ्रॉम द रथ, रथ के नीचे उतरा हुआ था, रथ के पहिया को बाहर निकाल रहा था, तब कृष्ण ने बोला अर्जुन को, अर्जुन बाण चला। अर्जुन पूछा अरे मैं कैसे बाण चलाऊं, ये तो नियत्ता है, युद्ध के नियमों के विपरीत है, ये तो जमीन पे खड़ा है, ऊपर से निहत्ता है, और क्या कहते हैं युद्ध के लिए तैयार नहीं है, हाउ कैन आई किल हिम? तुरंत
क्या बोले कृष्ण, क्या बोले, इसमें कोई अनीति नहीं है। क्यों? क्योंकि एक दिन पहले जब अभिमन्यु को मारा जा रहा था तब उन्होंने नीति नहीं फॉलो किया। पांच पांच महारथी मिलके एक महारथी को मार रहे, एक बच्चे को मार रहे, छोटा सा, 17-18 साल का, 16-17 साल का था अभिमन्यु, अकेले युद्ध लड़ रहा था और पांच पांच महारथी मिलके उसको मार रहे थे। कर्ण भी उसमें था। तो बोला जब उसने नीति फॉलो नहीं की तो तुझे नीति फॉलो करने की क्या जरूरत। टू अंडरस्टैंड दिस आई टेल यू अ स्मॉल एग्जाम्पल। समझो, चोर चोरी करके गाड़ी में भाग रहे हैं और वो लोग भाग रहे हैं 120 के स्पीड पे, गाड़ी चला के भाग रहे हैं, हाईवे पे भाग रहे हैं। अब आरटीओ का रूल्स क्या है? आपको 80 के स्पीड पे गाड़ी चलाना चाहिए या 100, 100 से ज्यादा नहीं। तो क्या पुलिस को 100 के स्पीड में चलाना चाहिए या 80 के स्पीड में चलाना चाहिए या 140 के स्पीड पे चलाना चाहिए, क्या करना चाहिए? चोर को पकड़ना है तो क्या करना चाहिए? यस, व्हाट डू यू से हिमांशु, व्हाट डू यू हैव टू डू? प्रभु जी, चोर से थोड़ा और स्पीड चलाना चाहिए की कोशिश तो करनी एक सौ चाहिए, चालीस न का पकड़ने चोर की। 120 पे जा रहा है तो हमने को 140 में जाके उसको पकड़ना पड़ेगा, राइट? यस प्रभु, बट दैट इज ब्रेकिंग द रूल्स। आरटीओ का रूल तो है 80 या 100 का स्पीड। प्रभु जी, बट इट्स फॉर द वो, मगर वो करना ही पड़ेगा अगर लोगों को करना ही बचाना है तो। पड़ेगा। सेम थिंग अप्लाइज इन द वॉर फ्रंट ऑल्सो, द सेम रूल अप्लाइज। वो खुद अनीति करके भाग रहे हैं, शायद पुलिस को उल्टे रास्ते भी जाना पड़े। उल्टा मतलब जो जो लेन, देयर आर टू लेन्स राइट, एक रास्ता आने का और एक रास्ता गाड़ी का जाने का होता है। ऑपोजिट साइड से भी क्या यहाँ ट्रैफिक जाम हो तो उस तरफ से उल्टा जाना पड़ेगा उसको, आते हुए लेन से भी जाना पड़ेगा उसको। क्यों? उसका मकसद एक ही है, चोर को पकड़ना है। उनका मकसद ये है कि गाड़ी मस्त रफ्तार से चल रही है, मजा ले रहे हैं, नहीं, वो आगे जाके चोर को पकड़ना चाहते। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट व्हेन कृष्णा इज गिविंग अस दिस रूल बुक, दैट इज व्हाई भगवद गीता इज कॉल्ड ए मैनुअल। उसमें समझाया जा रहा है हमको कि क्या कर्म सही है, क्या गलत है, किस कर्म को करना चाहिए, किस कर्म को नहीं करना चाहिए, किस कर्म करने से हमको अधोगच्छति होगी और किस कर्म से करने से हमारी यू नो वी विल प्रोग्रेस हायर। These are all mentioned very clearly in the Bhagavad Gita. The problem is we are not in that mood to understand. हम लोग उस चीज को समझ नहीं पाए। आज भी हम लोग कुछ लोगों के कथाकथित लोगों का जो प्रवचन है, किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत सोचो, ये बात सही है, किसी का बुरा मत सोचो, मगर अपना बचाव तो करना तो पड़ेगा ना। ये अपना बचाव भी छोड़ दें, एक गाल पे मारा तो दूसरा गाल आगे करें। दैट्स नॉट वॉट भगवद गीता टीचर्स। दिस प्रिंसिपल इन द भगवद गीता इज कॉल्ड एज इन सैंस्क्रिट एज शटो शाट्यम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शटो शाट्यम? जो जैसा करता है उसको उसकी तरह, उसी के भाषा में उसको जवाब देना। दैट इज वॉट इज शटो शाट्यम। जैसा वो एक्ट करता है, एक्ट अकॉर्डिंगली टू और विथ हिम। तो अच्छा कर्म, अब डेफिनेशन क्या है प्रभु, हिमांशु प्रभु, अच्छे कर्म का डेफिनेशन क्या है? व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? प्रभु जी, इंटेंशन और पर्पस क्या है उस चीज का, और उससे अगर, सो द एक्शन डजंट मैटर। या इंटेंशन एंड पर्पस डज। यस, इफ समवन कम्स एंड एंटर्स योर हाउस, ट्राइज टू स्टील इन योर हाउस, विल यू से नहीं मुझे इसका इसका कुछ बुरा नहीं करना है, ले भाई तू मेरा पैसा चोरी करके लेके जा। तो दैट वाज द केस, शायद हमारे यहाँ इतने वॉचमैन है सबको बेघर हो जाएंगे, सब बेकार हो जाएंगे। हम इसके लिए रखते हैं ताकि वक्त आने पे हम अपना बचाव करें। सो यस वन प्रभु, हैज अ राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ, बट यस, प्रोवोकेटिव किलिंग इज बैड, अनवॉन्टेड किलिंग इज बैड, और डूइंग सेंस क्रिएटिंग।
इंद्रिय तृप्ति में भी फंसे रहना बहुत खतरनाक है। और हम लोग अक्सर इस जीवन को तैयारी करना है, जैसे वो पक्षी रो रहा था और उसके पहले खुश था, दोनों मेल एंड फीमेल बर्ड वर हैप्पी, उनका जो कपल ऑफ बर्ड्स था बहुत हैप्पी था, तब उनको क्या करना चाहिए था? जब अच्छा समय चलता हो तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अच्छा समय मतलब कुछ तकलीफ नहीं हो, खासकर थोड़ा शरीर जवान हो, शरीर साथ दे रहा हो, तब क्या करना चाहिए? कौन, कोई रॉकेट साइंस क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहा हूं। कौन, एनीवन कैन आंसर? सोचिए अरे सोचिए, वो एक दिन की तैयारी है मृत्यु की, उसकी तैयारी करो। डेथ डजंट कम एवरी डे माइंड यू, डेथ इज एन एग्जामिनेशन, परीक्षा की तरह है। सो डेथ इज एन एग्जामिनेशन एंड लाइफ इज अ प्रिपरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ इज अ प्रिपरेशन? टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ इज अ प्रिपरेशन? अरे उस क्षण के लिए तैयार हो जाओ, मृत्यु के उस क्षण के लिए तैयार हो जाओ, उसके ऊपर उसके बाद कुछ नहीं कर पाओगे। और मृत्यु के बाद क्या होता है, लोग क्या बोलते हैं जब उठाते हैं ना कंधे पे, तो क्या बोलते हैं? राम नाम हाँ सत्य है। और ये राम नाम सत्य है, जब जिंदा था कभी बोला किसी ने राम नाम लिया? सीताराम सीताराम सीताराम, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे राम 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 राम, हरे, कोई लिया कभी? अरे जब मर गया, मुर्दा तो सुन नहीं सकता। आपने थोड़ा बहुत अरे सीताराम सीताराम या राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, यही बात अगर वो पढ़ने के पहले समझ जाता तो जीवन उसका तर जाता, पर वो उस वक्त वो सीखता नहीं है वो चीज। सो वन, लाइफ इज नॉट मेंट फॉर सेंस एंजॉयमेंट, और हम लोग बराबर उसका ऑपोजिट करते हैं। हम जीते ही इसके लिए ताकि हम जीवन का मजा ले सके, राइट? हम लोग सब जीवन का मजा लेना चाहते। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीवन का मजा लेना? सॉरी हिमांशु, आई आस्क यू, ओनली रेस्ट ऑफ द पीपल आई थिंक कैमरा फोबिया है उनको, कैमरा में आने से डर रहे हैं, बोलने से डर रहे हैं बेचारे। कुछ लोग तो वीडियो बंद करके भागे, तो कौन, यू टेल मी। भौतिक जीवन का मजा, अगर आप बात कर रहे हैं लोग जीवन का मजा लेना चाहते हैं तो एक्चुअली भौतिक जीवन की बात हो रही है, क्योंकि उसमें यस अभी अभी लोगों की बात, तो उसमें यस किसी भी तरीके से हमें जो जो भी मजे हैं या फिर जिस भी चीज से हम सेफ रहें और थोड़ा अच्छा भी फील करें एक्चुअली। और मजा किस पे मिल सकता है? मजा प्रभु किस जी, वन लाइन में, एंजॉइंग फिजिकल प्लेजर्स टू द फुलेस्ट। एंजॉइंग सेंस हाँ, प्लेजर टू द फुलेस्ट, इट इज ओनली सिंफुल। सेंस प्लेजर। द हाँ बेस्ट फूड, फूड का टेस्ट कहाँ तक है? जी, 2 इंच, 2 इंच और 3 इंच ऑफ योर टंग, बस उतना ही टेस्ट है। बाद में रसगुल्ले को हाथ पर रगड़ लो, कोई स्वाद नहीं आता। तो बट लोग क्या कहते हैं, जीते किसके लिए? अरे बढ़िया खाओ यार, पार्टी शार्टी मनाओ, है ना? दे लिव फॉर पार्टी, एंड पार्टी कैसा मनाने? चार गलत चीज करने में बड़ा आनंद, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स एंड गैम्बलिंग, जी एंड ऑल दिस फोर आर द गेटवे टू हेल। नरक का द्वार है ये, इसमें जो कर्म का जो सिद्धांत लागू होता है ना, इससे ज्यादा कहीं पे लागू नहीं। थोड़ा देर पहले हिमांशु ने कहा कि प्रभु जी आई शुड नॉट हर्ट एनी वन, दोज हु आर ईटिंग नॉन वेज, वॉट आर दे डूइंग? आर दे नॉट हर्टिंग समवन? इंसान ना सही, जानवर को तो हर्ट कर रहे हैं। और सबसे बढ़िया चुक पता है, जब घर में मर जाते हैं ना, चूल्हा नहीं जलता। आई होप यहाँ पे सब लोगों का साथ एग्री विथ मी,
जब घर पे कोई मृत्यु मर जाए, कोई मर जाता है, कोई मृत्यु हो जाती है, जब तक उसका अंतिम क्रियाक्रम नहीं होता है, घर में चूल्हा नहीं जलता। और मजे के बात ये है कि लोग पैसा दे के लाश खरीद के लेके आते, क्या करते हैं, पैसा दे के लाश को खरीद के धो धा के चूल्हे में चढ़ा के पका के खाते। लाश खाना क्या इंसान का कार्य है? इज इट अ ह्यूमन जॉब टू ईट डेड बॉडीज? लाश खाता कौन? वल्चर्स, राइट? आपको पता है शेर कभी मरा हुआ जानवर को नहीं खाता, मार के खाता। मरा हुआ जानवर खाना बोला तो सिर्फ और सिर्फ गिद्ध का काम, वल्चर। सो प्लीज अंडरस्टैंड, फोर थिंग्स, मीट, नॉनवेज खाना क्यों? आपको इंसान का शरीर किसके लिए दिया गया है? तपस्या कर, बिना तपस्या भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकते, भगवान का ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर सकते। अगर किसी कुत्ते को जाके बोल दिया जाए, भैया कुत्ते महाराज आज फलाना फलाना व्रत है, आपको व्रत रखना है, तो क्या कुत्ता वो सामने जैसे आपने कुछ खाने को डाल दिया उसको याद रहेगा आज व्रत है मुझे नहीं खाना है? और इंसान को पर बुला भी दिया आपने, अरे आज आज नहीं नहीं आज मेरा सोमवार है, आज मेरा मंगलवार है, आज मेरा गुरुवार है, शनिवार है, जो भी हो, मतलब इंसान क्या कर रहा है उस दिन? उस दिन भूख भी लगी है, भूख लगती है कि नहीं उस दिन व्रत के दिन? अगर फिर भी इंसान क्या करता है उस दिन? अपने इंद्रियों पे, अपने भूख पे कंट्रोल करता है। सेम वे प्लीज अंडरस्टैंड, इंसान ही एक ऐसा योनि है जहां पे वो अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल कर सकता है और अपने इच्छाओं पे कंट्रोल कर सकता है। कुत्ता नहीं कर सकता है, कुत्ते को जैसा ही कुतिया दिखी सामने कूद पड़ेगा, कुत्ते को जैसा सामने कुछ खाने को मिला जाके खाएगा। कुत्ता कंट्रोल कर सकते हैं, बस वो इंद्रियों से ही चलता है, मगर इंसान जो है वो कुछ हायर चीजों से चलता है, ज्ञान से। कुत्ता चाहे खराब चीज हो या अच्छा हो जाके उसको पहले सूंघेगा, पर इंसान को तो पता है ये चीज गलत है, हमारे शास्त्र में लिखा है ये गलत है, हमको इसको फॉलो करना चाहिए। और सबसे बढ़िया चीज पता है आप लोगों को, ये चार चीज, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, आजकल तो इसका एक बोलबाला है इलिसिट सेक्स का, कुत्ते जानवरों जैसे जीना, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गैम्बलिंग, जुआ। इन चारों चीजों से बोथ आपका आध्यात्मिक दुनिया और आपकी भौतिक दुनिया दोनों नष्ट होते। शराब फ्री में नहीं मिलता, शराब पियोगे तो पैसा जाएगा, चलो पैसे गए तो ठीक है, बहुत कमाते हैं क्या फर्क पड़ता, कमाते किसके लिए, है ना? शरीर जो जा रहा है, शरीर जो गल रहा है उसका क्या? और जब शराब आएगा तो साथ में नॉन वेजिटेरियन फूड, साथ में कॉम्प्लीमेंट्री, तभी मजा आता। और जब ये दोनों आ जाता ना तो फिर शबाब जरूरी पड़ता है, बिकॉज ये दोनों पीने के बाद दिमाग कहाँ ठिकाने, योर ब्रेन इज गॉन फॉर अ टॉस, सो इमीडिएटली व्हाट डू? वी गो फॉर इलिसिट सेक्स। और ये तीन चीज इतना आनंद दे रहा है, अगले दिन वापस करने के लिए पैसा जल्दी चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? जुआ, जुआ करेंगे। तो ये चार चीज जो है, इसमें जो कर्म का रिएक्शन जो लगता है, बिकॉज इंसान बना है तपस्या के लिए, फॉर हिज सेक्सुअल नीड्स ही कैन मैरी एंड ही कैन एंजॉय, फॉर हिज फूड इतने सारे चीज हैं इस धरती में खाने के लिए, वो सब छोड़ के एक लाश खाने की जरूरत है? लाश को भी पका के,
एक व्यक्ति मुझे पूछा, अरे प्रभु जी आप क्या बात कर रहे हो, देखो शेर खाएगा तो उसको पाप नहीं लगेगा, हमको पाप लगेगा। अरे शेर पका के नहीं खाता है, कौन सा जानवर पका के खाता है? नॉनवेज को काट के मसाला डाल के तवे में चढ़ा के, हाँ, और वो भी साथ में सब्जी या चावल या रोटी के साथ खाता है, ऐसे वो नहीं खाता। मगर जानवर ना तेल ना मसाला ना चूल्हा ऐसे खा लेते, तो शरीर वैसा बना है उसके लिए। प्लीज रिमेम्बर, इन चार चीजों से अगर जो व्यक्ति दूर रहता है, अपने आप को बचा लेता है, वो सुखी रहता है। वो सुखी क्यों रहता है? क्योंकि वो नहीं खा रहा है, क्योंकि वो नहीं पी रहा है, उसके पैसे बच रहे हैं। अरे वो तो साइड रिएक्शन से, मेन रिएक्शन क्या है? क्योंकि जब उन चीजों से दूर रहता है तब दिमाग ये सोचता है कि मैं भगवद गीता पढ़ूं, मैं भागवतम पढ़ूं, भगवान के बारे में ज्ञान लूं, और मेरा और भगवान का क्या संबंध है ये भी सीख लूं। और संबंध अगर तय हो जाता है, फिक्स हो जाता है और समझ में आता है, तो फिर व्यक्ति यहाँ थोड़ी रहेगा, वहां जाके रहेगा, भगवत धाम में रहेगा, यहाँ क्यों रहेगा? हम लोग सब अपना परमानेंट एड्रेस लिखते हैं ना, परमानेंट एड्रेस आधार कार्ड में एड्रेस सब लिखते हैं, ठीक है, और पेपर वर्क यू नीड दैट, आई एम नॉट सेइंग नो, बट टेल मी आपका जो परमानेंट एड्रेस है, मृत्यु के बाद क्या हो जाता है? आधार कार्ड जीरो, पैन कार्ड जीरो, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? ये हमारा परमानेंट एड्रेस नहीं है, क्योंकि इस शरीर का परमानेंट एड्रेस है। जैसे शरीर छूटता है, आत्मा का एड्रेस कुछ और है, और वो एड्रेस क्या है वो भगवद गीता बता, वो एड्रेस कहाँ पे है वो भगवद गीता बताता है। ये नहीं बताता है कि भाई ये एड्रेस यही है, अपना यही घर है, यही दुनिया में रहना है, नहीं सॉरी, भगवद गीता टीचर्स यू वेयर इज योर एक्चुअल अबोर्ड, वेयर डू यू बिलोंग टू, व्हाट इज योर एक्चुअल एड्रेस। बट हम लोग खुश हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड का एड्रेस लेके हम लोग बहुत खुश हैं। सो प्लीज रिमेम्बर, इफ वी आर नॉट, इफ यू आर इग्नोरेंट लाइक दैट बर्ड, अरे मर गया मर गया मर गया, अरे मृत्यु हमारा भी पीछा रहा देख रहा है, हम ये सोच रहे हैं। यू नो युधिष्ठिर महाराज को यक्ष पूछते हैं, महाभारत में ये प्रश्न ये प्रसंग आता है, तो युधिष्ठिर महाराज को यक्ष पूछते हैं, इस दुनिया में सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग थिंग और द मोस्ट वंडरफुल थिंग क्या है, सबसे अद्भुत चीज क्या है इस दुनिया में, सबसे बड़ा अद्भुत चीज क्या है? और तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, सबसे अद्भुत या सबसे नो कंफ्यूजिंग, सबसे फनी थिंग क्या है? कहते हैं कि रोज लोग देखते हैं लोगों को मरते हुए, पर फिर भी क्या सोचते हैं, वो मरा है मैं तो लंबा जीने। बात सही है, जीवन कितना समय का है, व्हाट इज द लाइफ स्पैन एवरेज? आज 70, 70 के ऊपर तो आजकल रह गया तो बोनस, और अगर जिंदा भी रह गया तो खाट पे रहता है, कुछ का ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है। तो 70 साल का आयु में क्या क्या करना है आपको, प्लानिंग पता है आपको? कभी आपने चार्ट निकाल के बनाया? आपका खेलना है, पढ़ाई करना है, करियर बनाना है, शादी करना है, बच्चों को पढ़ाना है, उनका शादी बनाना है, बीच में घर गाड़ी बंगला वो सब भी खड़ा खड़ा करना है, ये सब 75 ईयर्स बहुत छोटा सा, क्योंकि दिन का 6 से 7 घंटा व्यक्ति सोता है, तो जीवन का 1/4 आयु जो है उसका सोने में चला जाता है, एक सॉरी 1/3, नॉट 1/4, 1/3 ऑफ हिज लाइफ। तो अगर 75 ईयर्स गिने, उसमें से 25 साल निकाल दो, सोने में चले गए। एम आई राइट और रॉन्ग कैलकुलेशन? अगर मेरा गलत हो तो प्लीज करेक्ट। निखर, यू स्पेंड हाउ मेनी आवर्स यू स्लीप इन अ डे?
ऑनेस्टली 4 to 5। फोर टू फाइव, बट देन बीच का थोड़ा थोड़ा पावर नैप्स एंड ऑल दैट, 7 घंटा तो हो ही, 7 घंटा तो हो ही जाता है राइट। बाकी फोन में निकल जाता है ना। बाकी इंस्टाग्राम फेसबुक वेरी इंपॉर्टेंट, नींद जाए पर फेसबुक इंस्टाग्राम ना जाए, है ना। हाँ आजकल का जमाना है, खाते खाते भी फोन, टीवी देखते देखते भी फोन, एवरीथिंग। और खाते खाते टीवी देखेंगे, और एक साथ एक एक कार्य करते नहीं, मल्टीटास्किंग। क्यों? समय कम। इतना सब करने के बावजूद एंड द एंड ऑफ द डे आधा काम रह जाता है करने, राइट, हाफ ऑफ द वर्क इज डन लेफ्ट। अरे कल करना है, कल करना है, हम यही सोच के बैठेंगे कल करना है, वो कल आता ही नहीं है कभी भी। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? यस यस प्लीज अंडरस्टैंड, आउट ऑफ 75 years, 25 years टू 30 years टू 40 years गोज इन ईटिंग, स्लीपिंग, वॉकिंग, टॉयलेट, नहाना, ट्रैवलिंग, सब निकाल दो। आपके पास पोटेंशियल ईयर्स जो बचता है ना, वो मुश्किल से 30 या 40 साल बचता है, और उन 30 या 40 साल में आपके जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करना है, भौतिक जीवन का। तो वो लक्ष्य क्या है? घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, बीवी, बच्चा, सब, उनका उनका एजुकेशन, उनका पढ़ाई, सब कुछ कर। ठीक है, 75 ईयर्स तो आपके पूरे हो, तो भक्ति कब की आप? आध्यात्मिक दुनिया में कब खटखट आया? खाया, खाने में कॉम्प्रोमाइज, नो। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक में कॉम्प्रोमाइज, नो। टीवी में, नो। नेटफ्लिक्स पे, नो। क्रिकेट मैच पे, नो। सब चीज पे, नो 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 नो। आउटिंग पे, नो। हॉलीडेज, वेकेशंस, नो। सब पे हम लोग ने कहीं भी एक जगह पे भी कटौती नहीं की, तो वक्त कहाँ से निकलने होगा? और वक्त निकलेगा भी नहीं, क्योंकि हम बिजी हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन में। उसी को खुशी या खुश समझ के, उसी को हमारा जीवन का लक्ष्य संभाल के समझ के हम लोग बैठे हुए हैं। और इंद्रिय तृप्ति कोई खुशी देने वाली नहीं है, इंद्रिय तृप्ति तो आपका दुख का दरवाजा है। हाँ समझो, कल आपने बढ़िया सा खीर रबड़ी खाया, और आज आपको मिला क्या? मिला खिचड़ी, कैसा रहेगा? हाउ विल यू एंजॉय खिचड़ी? कल रबड़ी खा लिया, तो आज खिचड़ी नहीं जाएगा, तुरंत यू वॉन्ट समथिंग मोर। सो प्लीज अंडरस्टैंड, इस तरीके से व्यक्ति कभी भी इंद्रियों को कभी खुश नहीं कर सकता, मगर इंद्रियों को खुश करने के चक्कर में पूरी आयु निकल। दैट इज वॉट दिस मेल बर्ड डिड नॉट रियलाइज, रादर द कपल ऑफ बर्ड्स डिड नॉट रियलाइज। दोनों, ना नर ना मादा, खुश थे, बस मेरे परिवार अच्छे हैं, कल मेरे बच्चे बड़े होंगे फिर उड़ जाएंगे, हम लोग का बढ़िया चल रहा है, खाना आ रहा है, बढ़िया खाना खा रहे हैं। नहीं, हम इंसान को उन पक्षियों से अलग सोचना है, हमको ये सोचना है कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, हमको क्या करना है, और हमको क्या जीवन के अंत में प्राप्त करना। वी आर नॉट हैविंग अ गोल। आई आस्क एवरी वन, वॉट इज योर गोल ऑफ लाइफ? सबका चेहरे पे जीरो रहेगा। हिमांशु, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ? प्रभु जी, भौतिक जीवन की बात तो नहीं कर रहे हैं आप, ऑब्वियसली ये बस वो एक ये जीवन एक ही है, ये कोई FM और AM रेडियो स्विच नहीं कर सकते, ये इंस्टाग्राम फेसबुक जैसा आप स्विच नहीं कर सकते। प्रभु जी, ऑब्वियसली टू लीव माय लाइफ टू द फुलेस्ट ऑब्वियसली, और और अच्छा, द कपल जैसे ऑफ गोल्स, 2-3 गोल्स, आध्यात्मिक जीवन को पूरा अच्छे से समझ के उसे जी पाना। यू वॉन्ट टू लिव फुलेस्ट यूर सेइंग, देन आध्यात्मिक जीवन जीना है। गोल क्या है आपका, जीवन का लक्ष्य क्या है?
प्रभु जी वो चीज हो जाएगी, आध्यात्मिक जीवन को अच्छे से जीने में पूरी खुशी मिल जाएगी, आई होप तो आपको ऐसे। फिर पढ़ाई करके बिजनेस या नौकरी कुछ करना नहीं है? प्रभु जी वो करना है मगर उसके साथ हो जाएगी वो चीज शायद। साथ में करोगे, वेरी गुड, मल्टीटास्किंग। ओके, यस ज्ञानेश्वर, व्हाट यू लाइक टू सी? वो आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज योर गोल ऑफ लाइफ? प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक। प्रभु जी, जीवन का भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन में भी ऊंचे स्तर पे जाने का मेरा लक्ष्य है। भगवत ओके, चिंतन करना। तो आप, आपका और हिमांशु का एक जैसा सोच है, राइट? कुछ चीजें हैं ना, वो उसका कोई पर्याय नहीं। फॉर एग्जाम्पल, पढ़ाई करना, जॉब पे या नौकरी या बिजनेस जो भी हो, कमाना, पैसे कमाना तो पड़ेंगे, ये सब तो करना ही है। उसी तरह जैसे अर्जुन को युद्ध लड़ना उसका कर्तव्य था, और अर्जुना फाइटिंग द वॉर वॉज इज रिक्वायरमेंट, ये है नो ऑप्शन। उसको ऑप्शन नहीं था, चलो मैं घर बैठता हूं, भक्ति करता हूं, हरे कृष्णा सीताराम सीताराम करते बैठता हूं, नहीं, ऑप्शन नहीं था। हम सबको भी ऑप्शन नहीं है, हम सबको अपने अपने कर्म, अपने कर्तव्य करना है, निभाना है, मगर लक्ष्य क्या है? लक्ष्य एक ही, क्योंकि ये जो है ना, आपके जो प्रायोरिटीज बोली, इसको प्रायोरिटीज बोलते हैं हम लोग, लक्ष्य नहीं बोलते। आप पढ़ाई कर रहे हो, कितना जीवन भर पढ़ते रहोगे मरते दम तक? नहीं प्रभु जी, 25 साल में तो पढ़ाई बंद करके नौकरी पे जाना पड़ेगा या बिजनेस करना पड़ेगा, ठीक है। जीवन भर बिजनेस करते रहोगे? नहीं नहीं प्रभु जी, शादी भी करना है, ठीक है। शादी करके जीवन भर पत्नी को देखते रहोगे? नहीं नहीं प्रभु जी, काम पे करना पड़ेगा, बच्चे पैदा करना है, बच्चों के लिए भी स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना है, उनको भी हायर एजुकेशन देना है। तो ये सब क्या है? जीवन का प्रायोरिटीज, उस वक्त के लिए वो प्रायोरिटी रहे। अब जो स्टूडेंट है उसके लिए पढ़ाई प्रायोरिटी है, जो पढ़ाई पास करके जो नौकरी पे है उसके लिए नौकरी प्रायोरिटी है, पर जीवन का लक्ष्य वो नहीं है। जीवन का लक्ष्य क्या है? आध्यात्म, दुनिया में अपने आप को पूरी तरह से प्रबल कर, वन शुड मेक हिमसेल्फ वेरी स्ट्रॉन्ग इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, सो दैट ही अंडरस्टैंड द होल ऑफ लाइफ। अगर वो जीवन का लक्ष्य ही नहीं जानता है तो उसका भक्ति करना वेस्ट है, इट इज द बिगेस्ट वेस्ट ऑफ हिज लाइफ। सो ऑल गिवन सेड, आई वुड लाइक टू सम अप टुडेज लेक्चर। We will be taking the कथा further about Bhagavad Gita and Bhagavatam in the next session, but I would like to bring this point to the notice that our life has should have a goal. Priorities में ही हम जीते हैं, बस अब तो पढ़ाई करना है, पढ़ाई करने के बाद अब तो नौकरी करनी है, अब शादी करनी है, अब बच्चे पैदा करना है, अब बच्चों को पढ़ाई कराना है, अब बच्चों को शादी कराना है, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये आपका, आप अकेले नहीं कर रहे हो, आपके पहले भी, आपके अपने पूर्वज ने भी यही कार्य किया जो हम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? कुछ डिफरेंट, और वो क्या है? वन हु डज डिवोशनल सर्विस, भगवान को समझता है, भगवान से अपने संबंध को समझता है। मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा? मैं एक शरीर नहीं, एक आत्मा हूं, तो मृत्यु के बाद इस आत्मा का क्या गति होगा? ये सब चीज जो व्यक्ति समझ लेता है, He goes into actual spiritual life. वो actual आध्यात्मिक दुनिया में जाता है। बाकी लोग अक्सर सोचते हैं, प्रभु जी मैं मंदिर जाके आता हूँ, हर सोमवार, हर रविवार, हर मंगलवार मंदिर जाता हूँ। ये भक्ति नहीं, ये भक्ति का शुरुआत है, ये भक्ति नहीं, भक्ति का शुरुआत है। भक्ति कब है? जब शास्त्र का अध्ययन होगा। शास्त्र इतने बड़े हैं, पढ़ने को हमारे पास ना वक्त है ना इतना दिमाग है। तो शास्त्र का सार क्या है? भगवद गीता, भागवतम, ये सब शास्त्र का सार है। बस इतना सा पढ़ लो, पूरा शास्त्र समझ में आ जाए। सो आई थिंक दोज न्यू कमर्स टुडे हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द क्रक्स ऑफ भगवद गीता। सो
लाइक यू ऑल टू कंटिन्यू फर्दर, दैट यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग।